पंचकुला सेक्टर 5 में स्थित शालीमार ग्राउंड में विश्व के सबसे ऊंचे रावण का दहन किया गया। इसकी ऊंचाई बताएं तो 171 फुट के रावण को सभी देखने आए थे। इसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग ग्राउंड में पहुंचे और इस मौके पर कन्हैया मित्तल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, महापौर कुलभूषण सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। रामलीला में बने भगवान श्री राम ने जैसे ही रावण के पुतले में आग लगाई तो पूरे मैदान में जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे। इससे पहले राम रावण के युद्ध का दर्शन देख दर्शकों ने बहुत आनंद लिया। अधर्म पर धर्म की इस जीत को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। जब भगवान श्री राम और दशानन के बीच युद्ध चल रहा था तो रामलीला मैदान में पांव रखने भर की जगह भी नहीं बची थी। राम रावण के युद्ध के बीच में जय श्री राम के जयकारे भी लगते रहे। भगवान राम ने जैसे ही रावण के नाभि कुंड में तीर मारा तो रावण का विशाल काय पुतला जलने लगा। युद्ध का शुभारंभ भगवान राम की आरती पूजा के बाद हुआ। इस मौके पे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित रहे और उन्होंने भगवान राम के मार्ग पे चलने का उपदेश पब्लिक को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि रावण के अहंकार को ध्वस्त होते देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पे बनी रहे। उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान राम आपको ये आशीर्वाद दें कि वो आपको ये आपके मन के अंदर ये आशीर्वाद दें कि आप भगवान राम के द्वारा जो बताया गया मार्ग है उस मार्ग के ऊपर चले। हमने पिछले दिनों रामलीला का एक मंचन भी देखा, हमने नवरात्रों के अंदर माँ शक्ति की पूजा की, राम के भगवान राम की पूजा की। आज हम सब यहाँ रावण के द्वारा जो अहंकार उनके मन में आया था उस अहंकार को ध्वस्त होते हुए हम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, असत्य के ऊपर सत्य की जीत, झूठ के ऊपर सच की जीत, ये संदेश भगवान श्री राम का है। इसलिए हमें भगवान श्री राम के द्वारा दिखाया गया मार्ग, उनके द्वारा जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, मर्यादा के अंदर रह करके हम अपने सभी कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको दशहरा उत्सव की, विजयदशमी उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।